मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सुबह हो चुकी है और आज तो मेरे बिल्लू ने भी छुबा छुबा हन्नी हन्नी कर ली। अन से हाय, से हाय, अन से हाय। अभी बाल बाबू के गीले हैं इसलिए मम्मा ने कंघी नहीं करी है ना शोना? अच्छा, इसी बात पे मम्मा को पूछू दे दो, पूछू दे दो, पूछू ला। अरे इनकी शैतानी, दादाजी की शैतानी चालू हो चुकी है। अन बाबू बेटा गिर जाएगा। बाबू नीचे बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ नीचे। नीचे कार गई, कोई बात नहीं। अच्छा बैठो, बैठ के देखो। एक्चुअली ये यहाँ पे जब खड़ा हो जाता है ना तो इसको नीचे की रोड दिखती है, यहाँ से आती जाती गाड़ियाँ इसको दिखाई देती है, तो इसीलिए यहीं पे आकर के लटक जाता है। ये इसका फेवरेट स्पॉट हो गया है। जब ये बोर हो जाता है, मतलब जब मैं नहीं होती हूँ, मैं टेंशन नहीं देती हूँ उसको, जब मैं काम में बिजी होती हूँ, तो यहाँ पे आके इसका अड्डा बन गया है, यहीं पे आके खड़ा हो जाता है। तो मैंने आंच को अच्छा ठीक है बाबा, लो खाली हो गई आपकी चेयर। अभी इनको दिया है खाने के लिए, तो लेट्स सी ये खाते भी हैं कि नहीं खाते हैं, क्या करते हैं ये। अब खा लो इडली, खा लो। हाँ इडली खा लो बेटा। तत्ता नहीं है, खा लो। तत्ता नहीं है, हाँ खा लो, खा लो मेरे शो। तत्ता नहीं है, क्या है? तत्ता नहीं है बाबू, है ना? तो ठीक, मैं भी अब जा रही हूँ अपना वर्कआउट करने, क्योंकि मुझे भी लग रही है भूख। एक्चुअली इनको आज मैंने जल्दी नहला दिया, एक्चुअली बाथरूम में गर्म पानी था तो मैंने सोचा कि चलो नहला देती हूँ, वरना फिर से गर्म करना पड़ेगा, तो उस चक्कर में मैंने उसको आज नहला दिया है, नहीं तो मैं उसको हमेशा 11:30 बजे के बाद ही नहलाती हूँ। अच्छा पूछू दे दो मम्मा को, पूछू दे दो। ओले मिलो शो ना, ओली मम्मा। आओ, मेरा वर्कआउट हो चुका है, अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो जी दिस इज माई ब्रेकफास्ट। आज मैंने बनाया था इडली, मूंगफली की चटनी और उत्पम, और अर्जुन को भी मैंने लंच में आज यही दिया है, हस्बैंड ने भी लंच में सॉरी ब्रेकफास्ट में यही खाया है, मेरा बेटू खा चुका है। नो आंच नो, छोड़ो। तो जी हम भी जा रहे हैं नाश्ता करने हैं। नाश्ता चलो लाए। ये बताओ आपकी आपके स्वेटर में क्या बना हुआ है? ये क्या बना है? ये क्या है? ये क्या बना है? देखो ये क्या बना है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है बताओ तो पहले। तुमने मम्मा को गिरा दिया, गिरा दिया मम्मा को, है? मम्मा को गिरा दिया आपने, है? तुम बहुत बदमाश हो यार, मम्मा को गिरा देते हो, अब तुमको गिराया हम, चल तुमको गिराया हम, चलो तुमको उल्टा लटका दिया, उल्टा लटका दिया बिट्टू को मैंने उल्टा लटका दिया। तो जी मेरा नाश्ता हो चुका है और अब मैं पीने जा रही हूँ एक कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि मन कर रहा था पीने का, तो मैंने कहा बना लेती हूँ। बहुत ही यम्मी नाश्ता था, मुझे साउथ इंडियन पसंद है, इडली हो उत्तपम हो। क्या बेटा नहीं है? है, पिलो के नीचे रखी है, देखो पिलो के नीचे रखी लिया, हाँ पिलो के नीचे देखो, तकिया के नीचे देखो जाके। हाँ इनको मैंने एक काम दिया है ताकि ये मुझे डिस्टर्ब ना करें, इनको मैंने बिजी कर दिया है, तो गए हैं कुछ ढूंढने के लिए, बार बार आके बता रहे हैं कि नहीं है मिल नहीं रहा है, फिर लौट आते हैं। जाओ ले आओ, लेके आओ, तकिया के नीचे रखा है, दौड़ना नहीं है, तकिया के नीचे रखा है। ये देखो वापस आ गए। क्या मांगा था मम्मा ने आपसे? मम्मा की दवा ले आओ, दवा रखी है ना मम्मा की, तकिया के नीचे रखी लिया लिया बाबू। मम्मा बात नहीं करेगी आपसे।
चलो हटो, हमको चाय पीने दो। देखो देखो इनको कैसे मुर्गा बना हुआ है, गिर जाएगा, समझता नहीं है बात को। बैठे इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, देखो 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 देखो, ये शैतानू बच्चा है। ये कौन है? बाबा? अरे बाप रे, ये तो बाबा हो गए। ठीक है चलो आगे बढ़े। ये कौन है? अच्छा ये कौन है? ये भी मामा है? अच्छा और देखें तो ये है, इधर बैठो, ठीक से बैठो। ये तो फिश है, उसको ऊपर नहीं बैठना है। नो, अब बताओ पहले ये कौन है? मामा? कौन है? चाचा? डग गधा। देख ये पढ़ाई हो रही है इनके, ऐसा नहीं करते बेटा, गंदी बात गंदी बात। पैचू उसके, चलो पैचू पैचू बैठो पहले नीचे। हाँ पैचू किताब की, पैचू पैचू बुक के, पैचू बुक के, पैचू भैया कैसे छूता है पैर, भैया पैर कैसे छूता है इसके, नहीं इधर। हाँ गुड बॉय, ऐसे करते। कैसे करते हैं? पैर छुओ, किताब के पैर छुओ, बुक के पैर छुओ, बुक के पैर नहीं रखना है, हाथ से पैर छुओ। ऐसे ऐसे कैसे पैर? अच्छा और एलिफेंट का है? एलिफेंट, वेरी गुड। ओके अब बताओ मम्मा को इधर पलटो, बताओ उसमें डॉग कहाँ है, डॉग डॉग कैट कहाँ है, हाँ वेरी गुड। अब बताओ ग्रेप्स कहाँ है, ग्रेप्स, अरे अच्छा बताओ हेन कहाँ है, हेन 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 कहाँ है, हाँ वेरी गुड। अब बताओ आइसक्रीम कहाँ है, ओके वेरी गुड। अब बताओ जग कहाँ है, जग जग, हाँ वेरी गुड। अब बताएगा बाबू मेरा, बताओ लायन कहाँ है, लायन, वेरी गुड। काइट कहाँ है, काइट काइट काइट, ये काइट है ना, काइट कहाँ है, हाँ ये दिस इज काइट, ओके। और अच्छा बताओ एग कहाँ है, एग, अरे वाह। मैंगो कहाँ है, मैंगो 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 मैंगो, ये है मैंगो बाबा, ये एग है, ये दिस इज एग, दिस वन इज एग, ये मैंगो है बाबा, दिस इज मैंगो एंड दीज आर एग्स, ओके। अच्छा हटो दूसरा पेज, लेट मी टर्न द पेज, ओके बताओ पैरेट कहाँ है, वेयर इज पैरेट, पैरेट कहाँ है, बताओ बताओ बताओ, ये पैरेट है, किधर है पैरेट, कहाँ है पैरेट, बाहर है, इसमें कहाँ है पैरेट, कहाँ है, अच्छा ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज, गुड। हटो और देखें, और देखें और क्या है इसमें, रुको रुको ये वाला, ये वाला। अब बताओ इसमें क्वीन कहाँ है, क्वीन, हाँ वेरी गुड। और रैबिट कहाँ है, रैबिट, अरे वाह बाबू को तो छाप पता हो गया, देखें देखें हटो हटो नेक्स्ट पेज देखें क्या है। उरी बाबा टाइगर, टाइगर कहाँ है, अंश टाइगर, अंश टाइगर कहाँ है, अंश टाइगर कहाँ है, वो तो शिप है बाबू, वो शिप है, और टाइगर कहाँ है, हाँ वेरी गुड। आगे आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ये टाइगर है, हाँ टाइगर, अरे रुको अभी पूरा नहीं पलटो, हाँ ये बताओ अम्ब्रेला कहाँ है, अच्छा बताओ, हाँ वायलिन कहाँ है, वायलिन, अरे वाह, अच्छा हटो हटो, अच्छा बताओ वॉच कहाँ है, वॉच वॉच, हाँ ये वॉच है, और एक्समस ट्री कहाँ है, ट्री कहाँ है, ट्री, हाँ दिस वन इज ट्री, ओके बताओ ये ट्री है ना, हाँ एक्समस ट्री, अब हटो, अच्छा बताओ उसमें ज़ीब्रा कहाँ है, ज़ीब्रा, हाँ वेरी गुड, और याक कहाँ है, याक, हाँ बहुत बढ़िया। तो जी आज तो सिर्फ 11 ही बजे हैं, आज मेरा बिल्लू जल्दी सो गया है, पता नहीं क्यों, पर चलो अच्छा ही है, जल्दी सो गया है। अब मेरे पास 1 घंटे का समय है, 1 घंटे में फटाफट में लंच रेडी करना है मुझे। उसको सुला दिया है मैंने, मुझे सुलाया नहीं है एक्चुअली, वो अपने आप ही सो गया है। अब मैं जा रही हूँ फटाफट अपना लंच बनाना है इसके पहले कि ये उठ जाए। मेरा बिल्लू उठ गया है, उठा नहीं है एक्चुअली, मैंने इसको कपड़े चेंज करने लगी तो ये अपने आप उठ गया है। उठ गया बिल्लू की नींद, मम्मा ने खुला खोल दी भाई, तो मैंने इसके बाल बना दिए हैं, एक चोटी बना दी है ना, मम्मा ने चोटी बना दी, दिखा दो इधर देखें, ये देखो इनका चोटी, ये मेरे बेटू की चोटी है, ये चो हो गया। अगेन पार्क में ही है क्योंकि ये बच्चे जो हैं घर जाने नहीं देते, तो ये भाई साहब हमारे बगल में खड़े हैं और अर्जुन भाई साहब उधर खेलने में लगे हुए हैं,
हम तो सीधे कहते हैं कि जहाँ मैं आपको बोलूँगा आपको पहले वहाँ चलना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं घर जाऊँगा, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो भाई अब छोटी मोटी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी की जा सकती हैं, थोड़ी देर की 10 मिनट का टाइम दे देती हूँ उनको, चलो आप 10 मिनट के लिए खेल लो फिर चलते हैं। ये मेरा छोटा बिल्लू है, जब अर्जुन सो रहा होता है और गलती से अगर ये जग रहा होता है उस टाइम पर, तो ये इतनी शैतानी करता है, उसको सोने नहीं देता। कभी उसकी नाक पे उंगली डालेगा, कभी उसकी आँख पे उंगली लगाएगा, ऐसे उसको छेड़ता रहता है उसको। तो देखो कितनी मज़ा कितनी आ रही है उसको, ये तो देखिए आप कितनी शैतानी करने में कितनी मज़ा आ रही है, उसको जगा के मानेगा ये, देखिए देखो। अर्जुन की हिंदी डिक्टेशन चल रही है, अर्जुन डिक्टेशन लिख रहे हैं। अर्जुन क्या लिखने जा रहा है? मैं नहीं, अभी क्या कह रहा था? नहीं, अर्जुन से कहा कि अर्जुन ओ की मात्रा वाला शब्द लिखिए, तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं छोला और भटूरा, छोला भटूरा लिखूंगा। अर्जुन सिंह जो है डिक्टेशन लिख रहे हैं, डिक्टेशन से इनको बहुत डर लगता है। अर्जुन डर लगता है, डिक्टेशन अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं। क्यों? इमला इमला तो बहुत जरूरी होता है बेटा, लिखेगा तब तो सीखेगा, है ना। अर्जुन के पापा जैसे ही नाम लेते हैं, चलो अर्जुन इमला लिखते हैं, अर्जुन सिंह छू हो जाते हैं ना, है? नहीं पापा नहीं, मैं इमला नहीं लिखूंगा। बस एक क्या दे दो इनको, मैचिंग मैचिंग दे दो, मैचिंग मैचिंग। ओ ये ठीक है, चलो ये नया सीखा है स्कूल में। ओ ये तो जी रात का हो गया है समय, सारे काम निपट चुके हैं, सब कुछ खत्म कर चुके हैं, शक्ल देख रहे हो गए आप, एकदम जो है मुरझाया हुआ चेहरा है, एक इन लोगों की बैटरी डाउन नहीं होती है, हमारी बैंड बच चुकी होती है। एक ये देखो, ये मेरा बिल्ला आ गया, देखो ध्यान से इनको, ए ए ए हाँ देखना पेंसिल लिए मार देगा, लग जाएगी, लाओ लाओ लग जाएगी बेटा, ये हम आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, अब आपसे मिलेंगे कल के व्लॉग में, टिल देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, सही हाथ से कर रहा है।